और डीजल की बढ़ती कीमतों से देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन। दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 83 रुपए के करीब, मुंबई में 90 रुपए के पार। मॉब लिंचिंग पर 8 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं किया। सर्वोच्च अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी। गोवा में मुख्यमंत्री बदलने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, मनोहर पारिकर सीएम बने रहेंगे। बीमारी के चलते 2 मंत्री हटाए गए, 2 नए मंत्री आज शपथ लेंगे। बोहरा समुदाय में महिलाओं के खतने की प्रथा के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा। केरल नन केस में आरोपी विशप फ्रैंको मुलक्कल को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व मेयर और उनके ड्राइवर को गोली मारी, कानून व्यवस्था बिगड़ी। कुल्लू मनाली में बादल फटने से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद, केरल में भी अलर्ट। दक्षिण हिंद महासागर में गोल्डन ग्लोब रेस में भाग लेने के दौरान लापता सेना के अधिकारी अभिलाष टॉमी को रेस्क्यू किया गया। और शेयर बाजार में हाहाकार मचा, सेंसेक्स 500 पॉइंट से ज्यादा टूटा, निफ्टी में भी गिरावट।